जस वी देख रहे तुसी, मैं के पी सिंह टू द पॉइंट में सब का स्वागत करता हूं। किसान संघर्ष 7 महीने तो उपर हो चुकिया, सब के विचाले किसानों ते लगातार इल्जाम लग रहा कि अंदोलन अपवित्र हो रहा है। किसान शब्द है जिहड़ा वो पवित्र शब्द है, वह भी अपवित्र हो रहा है। इन्हां दी वजह करके इत्थे रेप वर्गियां घटनावां ते कतल वर्गियां घटनावां वधदियां जा रहियां। यह बयान मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर दे रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी बयान दे रहे हैं, नाल सेहत मंत्री भी ने, वो भी बड़े बयान दे रहे हैं। इस विचाले किसान जथेबंधियां दे आगू ये लगातार ये कह रहे हैं कि असी इतों उठन वाले नहीं गए, तो ना असी स्टेज पर कब्जा कर देना। गाजीपुर से जो हंगामा होया उस दे विचाले बयान आ रहा, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये बयान दे रहे हैं कि पार्लीमेंट वल सानू कूच करना चाहिए, इस से सलाह मंगते पे है। तो नाल ही कह रहे हैं कि किसान अंदोलन से लगातार जोड़े अटैक करवाए जा रहे हैं वो स्पोंसर्ड अटैक है, पर किसान है वो कहें असी इतें बैठांगे। असी कुछ सवाल पूछांगे, किसान अंदोलन से किहड़ा खतरा? पहला बयानबाजी सुन लीए, इन्हां दे मायने है की है कि किसान शब्द जो है ना ये बड़ा पवित्र शब्द है। किसान के प्रति एक श्रद्धा आस्था ये सबकी है। मैं ये नहीं कहता कि उनकी नहीं है, जो आंदोलनकारी नेता है उनकी भी है, हमारी भी है, आम जनता की भी है, सरकारों की है, सबकी है। लेकिन इस आंदोलन का एक दुखद पहलू ये निकल आया है कि इस आंदोलन के साथ कई प्रकार की ऐसी दुर्घटनाएं हो गई हैं कि जो इस शब्द को भी बदनाम करने के लिए और लोग मुंह खोलने लगे हैं। यानी तरह तरह की जो घटनाएं हैं आप लोग देख रहे हैं कि बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मर्डर तक हो गए हैं, लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ विवाद, रास्ता छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, पंचायतें होने लग गई हैं, आपस में एक दूसरे के विरोध में इनकी भाषाएं चलने लग गई हैं, सरकार के साथ टकराव, अलोकतांत्रिक तरीके से जो काम करने का उनका विषय है, इसकी मैं निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी बात करना, मुख्यमंत्री दिल से भी आत्मा से भी हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी थे तो हिंदुस्तान में आए, पाकिस्तानी होते तो पाकिस्तान में रह जाते हैं। लेकिन चढ़ूनी को समझ नहीं है और वो ना समझी वाली बातें करता है। सर, जिस तरीके से किसान आंदोलन के जो लोग हैं वो हर मुद्दे का विरोध कर रहे हैं, खोरी गांव का सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कार्रवाई हो रही थी, अब उसके अंदर किसानों का आ जाना उसको किसान देख रहे हैं? नहीं, अब ये फ्रस्ट्रेट हो गए हैं ना जी, अब इनकी लीडरशिप पूरी तरह से फेल हो गई है। किसी भी आंदोलन को कामयाब करने की जिम्मेवारी उस आंदोलन के लीडरशिप पर होती है, तो अब ये अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर जाके और मसलों में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। तो साथियों, हम आपकी राय लेना चाहते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि हम तो आपके केवल नुमाइंदे हैं और हमारे में कोई ज़्यादा सहमति नया कुछ करने की नहीं बन पा रही है। और आपसे, हम जनता से, लोगों से, जो आंदोलन में किसान हैं उनसे हम राय लेना चाहते हैं कि आगे हम क्या करें। क्या हम पैदल संसद कूच करें, क्योंकि 19 तारीख से लेके सेशन शुरू है, एक आधा दिन आगे पीछे हो सकता है, और शायद 9 तारीख तक या 12 13 तारीख तक ऐसा कुछ रखा गया है, तो संसद का सेशन चलना है, तो क्या हम पैदल पैदल संसद कूच कर सकते हैं, इस पे अपनी राय दें, या कोई और नया कुछ आपके दिमाग में है कि ये ठीक रहेगा? भाई, 3 दिन तक इसका स्वागत हो रहा, मतलब उकसाने का काम कर रहे हैं, झगड़े और कुछ नहीं पाएगा तो कहने, जो वाल्मीकि समाज का मंत्री था एक और उसका विरोध करा, भाई सड़क पर यहाँ पे दिन में को लाखों गाड़ियाँ जाती है, हम किसी की रिकॉर्ड रखते हैं कौन आ रहा कौन जा रहा है, इनकी पहरेबंदी करती है। तो ये लगा के वाल्मीकि समाज का मंत्री और कोई नहीं बना, एक कोई वो मंत्री बना होगा तो कहने लगे जी उसका विरोध करा वाल्मीकि समाज का। बड़ा सवाल एको पुछा, इस डिबेट के बड़ा सवाल असं पुछा, अंदोलन कर रहे किसानों के केंद्र सरकार विचाले रेट का किवें मुकेगा, इस सवाल से बहस करा पैनल साडा मौजूद होना, तुहाडा तारुफ करवाउणा फटाफट, तो उस वटे डिबेट शुरू करते हैं। राजीव गुदारा स्वराज इंडिया के हरियाणा के इंचार्ज है, तो हरियाणा तो भी बहुत बयानबाजियां हो रही हैं, नाल जय किसान अंदोलन जुड़े हुए हैं जगिंदर यादव उन्होंने साथी है, राजीव गुदारा खुद वकील भी ने। गुदारा साहब बहुत स्वागत है तुहाडा। कुलदीप सिंह धालीवाल भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है, तो जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी का किसान मोर्चा उन्हें
सकत्तर ने बहुत स्वागत है कुलदीप सिंह धालीवाल तुहाड़ा कुमरजीत सिंह राठौर कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है बड़ी देर बाद डिबेट में बैठे है राठौर साहब तुहाड़ा बहुत स्वागत है जगतार सिंह जिहड़ा आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है इन्हां दी दिल्ली में सरकार है तो दिल्ली दीआं हद्दां ते किसान बैठे हुए इस करके संघेड़ा समझ सकदा संघेड़ा साहब तुहाड़ा बहुत स्वागत है सब तो पहला सवाल कुलदीप सिंह धालीवाल तुहानूं करना चाहूंगा कुलदीप सिंह धालीवाल ये आप पवित्र हो गया तो उत्थे जो मिस्टर खट्टर ने भाषा वरती है भैन बेटियां दा रेप हो रहा उत्थे मर्डर हो रहा है रस्ता छड़न लई पंचायतां हो रही हैं सर तुसी मैनूं घटनावां गिना दिओ कृपा करके किन्नियां उत्थे होईयां जे तुहानूं नहीं याद होगा तो सर फिर आपां राजीव गुदारा नूं पुछांगे किन्नियां घटनावां होईयां किसान संघर्ष दे विच सत्त महीने च देखो के पी सब तो पहला तो जिहड़ी गल खट्टर साहब ने कही है मैं उसकी जिहड़ा भावना हैगी है वह बिल्कुल क्लीयर है कि ये जदों केंद्र सरकार ने शब्द वरते सी कि ये पवित्र अंदोलन है और असीं हाथ जोड़ के सिर झुका के सारियां मंगां जिहड़ियां हैगियां मनन नूं तैयार है पर उस तो बाद संविधानक हक है सर बोलन का धालीवाल साहब मैं तुहानूं इह सवाल कर रहा है कि उन्होंने कहा उत्थे रेप हो रहे हैं मर्डर हो रहे हैं सर मैं चाहना तुसीं बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हो ਤੁਸੀਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲੇ ਰੇਪ ਮਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗਿਣਾ ਦਿਓ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਊਂਗਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਆਪਣੇ ਮਾਨ ਸਤਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਵਕਤ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਠੋਕਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਸੁਣ ਲਓ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ इल्जाम केड़े दोषी है राजीव गुदारा साहब सर एक कमेंट दे दो उस तो मैं ब्रेक लैनी है ब्रेक तो बाद वापस आऊँगा तुहाडे कोल राजीव गुदारा साहब सर उत्थे रेप हो रहा मर्डर हो रहा सर उत्थे रस्ते रस्ता जिहड़ा तुसीं रोकिया होया उहदे लई उत्थे पंचायतां होण लग पईआं बहुत वरिड है सर मुख्यमंत्री साहब गुदारा साहब तुसीं कर की रहे हो उत्थे वरिड तां है क्योंकि किसान लंबे समय तों संघर्ष कर रहे ते केंद्र सरकार जिते अड़ी है ते मुख्यमंत्री उहनां दी बोली बोलदे होए कुछ अनाप शनाप बोलदे रहिंदे ने ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰੇਪ ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਂਚ ਹਲੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਜਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸਹਿ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਅਨਾਪਸ਼ਨਪ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲ ਪ੍ਰੂਵਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ
पहली बार उन्होंने ये तमन्ना किसान आंदोलन पवित्र सी वो तो इस पवित्र आंदोलन के रास्ते रोक रहे थे सड़क खोद रहे थे किला ला रहे थे तो याद करो की नहीं किया इस पवित्र आंदोलन के राह रोकने वास्ते उन्होंने छोटा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। किसान आंदोलन से कितना खतरा है क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर से जो कुछ होया वो भी अपने आप में बहुत बड़े सवाल है। गुरनाम चढ़ौनी जिस तरीके ने हुण पार्लीमेंट कूच के लिए लोगों की सलाह मांगते पे है भी सवाल अपने आप में बड़े है कि पार्लीमेंट इजलास की कार्रवाई तो पहला किसान आंदोलन खत्म करना या किसान आंदोलन की मंगा मननी है। बहुत सारे सवाल है किसान आंदोलन से कितना खतरा वापस आके फिर पूछूंगा जरूर। सवाल एक पूछ रहे आंदोलन कर रहे किसानों के केंद्र सरकार विचाले रेड़का किवें मुकेगा। कुमरत सिंह राठौर तुहाडी बहुत वड्डी पार्टी आ देश दे विच वो वक्री गल है कि वोटां किन्नियां पईआं एमपी तुहाडे किन्ने हैगे मैं उस ताकत की गल नहीं कर रहा सर। तुहाडी बहुत पुरानी पार्टी है तुहाडी पुरानी पार्टी किसानों के हित में सिर्फ बयान दिंदी है बयान तो अगे तुसीं कुछ नहीं कर पा रहे। कुमरत सिंह राठौर केपी जी बिल्कुल थोड़ी गल सही है बहुत वड्डी पार्टी है पुरानी पार्टी है देश की और वोटां दी भी मैं तुहानूं जिथे दसा वोट परसेंटेज का जिन्ना क फर्क रहा थानू भी पता सानू पता साढ़े 12 करोड़ से 16 करोड़ 16.5 करोड़ वोटां का फर्क बेशक सीटां साडियां नहीं आईयां और मैं ये भी इत्थे एडमिट करदा कि किसी ना किसी साडी कोई गलतियां रही हैं जिहड़े लोगों ने सानू ये रस्ता दिखाया। लेकिन जिथे तक किसानी अंदोलन की गल है देखो एक प्योरली किसानों का अंदोलन सीगा और पार्टी का स्टैंड हमेशा किसानों के नाल एक तरफा रहा। पार्टी ने हमेशा कहा असीं किसानों के नाल है किसानों के नाल खड़े किसानों के नाल खड़े रहांगे। जिथे तक वो किसान अंदोलन की मैं समझदा कि जिहड़ी गल तुसीं कह रहे हो कि स्टेजा के उत्ते आने की गल है या उस अंदोलन के उत्ते आने की गल है यह जिहड़ी भारतीय जनता पार्टी जिहड़ा कल मुख्यमंत्री जी ने बयान दिता पहला तो देखो तुसी पहला दिन तो पहला इन्होंने सिखा का अंदोलन कहा मुड़ के इन्होंने अतवादियों का अंदोलन कहा उस तो बाद इन्होंने नक्सलवादियों का अंदोलन कहा फिर कम्युनिस्टा का अंदोलन कहा। हो सकता है कि अगर पार्टी उत्थे जाके साड़ी यूथ कांग्रेस या जिन्हें भी साथी उत्थे या एमएलए एमपी जो भी जिथे जाके वो कर रहे हैं लोगों के वास्ते किसानों के वास्ते लंगर का होर सेवावान का जो प्रबंध वो कर रहे हैं लेकिन वो पार्टी के स्टैंड के उत्ते नहीं कर रहे पार्टी की लाइन के उत्ते नहीं कर रहे उसका कारण है क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी ने कल यह कहना सी कि एक किसानों का जो अंदोलन है कांग्रेस का खड़ा हुआ अंदोलन है जदों के अंदोलन जिहड़ा हैगा एक किसानों का अंदोलन है मजदूरों का अंदोलन है और यह जे शर्मनाक बयान पहली बार नहीं आए शर्म आनी चाहिए है जिथे सैकड़ा लोग मर गए ने किसान मर गए ने यह लोग अज उस अंदोलन कह रहे ने एक स्पैसीफिक केस जी की मैं गल कर रहा गदौरा साहब जिहड़े ने वो कानून के माहर है लेकिन जिथे तक मैं पता है कि जेडे बंदे नू मारिया गया एफ आई आर की गल है उस एफ आई आर के अंदर आपसी झगड़े की गल हुई है उदा किसानी अंदोलन के नाल कोई लेना देना नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री साहब ये उही मुख्यमंत्री साहब है जिन्होंने किसानों नू दिल्ली जाण तो रोकण दे लई हाईवे पटवा दिते सीगे सारी सड़कां बंद कर दित्तियां सी पूरा जोर इन्होंने लाया लेकिन किसानों ने अपने जोर से बैठ के 7 महीने हो गए लेकिन अज कोई सुनवाई इन्होंने नहीं की। मेरा कहण का भाव यह है केपी जी कि यह बीजेपी के जिन्ने लीडर ने यह कहते आए ने इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की और हमेशा यह करते रहेंगे इन्होंने किसानी या मजदूरी के नाल कोई लेना देना नहीं है। कुंवर उदय सिंह राठौर तुम सब कुछ कहता बीजेपी नू सर तुसी कर की रहे हो एक्शन की है तुहाडा सर सवाल तो यह है तुसी हर गल स्टेजा तक लै जाने हो स्टेजा से सानू चढ़न तो रोकिया होया सर किसान हुण कहड़ा तुहानू वेलकम करदे पे स्टेजा ते आ जाओ किसान तो कह रहे हैं दिल्ली के बाकी बॉर्डर खाली पे तुसी उत्थे जाके बह जाओ क्यों नहीं बहिंदे तुसी प्रधानमंत्री घर के रो क्यों नहीं घेरदे किसान तो तुहानू कह रहे हैं सर। देखो मैं तो केपी जी ये गल कही नहीं कि किसान सानू रोक रहे असी ये गल कही है कि असी अगर उस अंदोलन के अंदर उत्थे उन्होंने नाल बैठ के शामिल होंदे हैं बिल्कुल यह गल फिर इन्होंने पहला भी बदनाम करने की कोशिश की है कि कांग्रेस का स्पॉन्सर जो है प्रोग्राम है जो अंदोलन है
जबकि पूरी कांग्रेस पार्टी साढ़े राहुल गांधी सोनिया जी ने कहा कि किसानों नाल खड़े हैं और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा किसानों के हित की गल की। चलो रठौर साहब तुहाडा पार्टी का कलेश बड़ा पिया होया तुहाडे लई बड़ियां मजबूरियां हैगियां। जगतार सिंगड़ा आम आदमी पार्टी इस मौके की कर पा रही है क्योंकि जो टकरा लगातार वाधा जा रहा है टकरा कटने का नाम नहीं ले रहा केपी सिंह जी थोड़ी आवाज कट रही है मैनू गल क्वेश्चन समझ नहीं लगे मैं कह रहा सी जगतार सिंगड़ा जी कि टकरा लगातार वाधा पिया किसानों से भारतीय जनता पार्टी के विचाले सरकार के विचाले तुसी लोग कर की रहे हो। आम आदमी पार्टी शुरू तो ही किसानां दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ी है साडे बलाकीर जांदे आ धरनियां च भी जांदे हर जगह जांदे आ पर असीं अपना कोई झंडा नहीं लैके जांदे जां कोई डायरेक्ट कारवाई नहीं करदे उस तों इलावा जिहड़ा पार्टी पद्धर ते भी असीं वख-वख थावां ते वख-वख एक्शन कीते आ सब दो वारी असीं दिल्ली च मुजाहरा कर चुके हां ते एक वारी असीं किसान रैली इत्थे दो वारी पंजाब च कर चुके हां जगतार सिंगड़ा तुसीं धरनियां विच शामिल हो रहे हो तुहाडे वलंटियर उत्थे जा रहे हो मैनूं सर मैं सवाल नहीं कर रहा तुहानूं मैं सर सवाल यह कर रहा तुहाडा पोलिटिकल प्लान की हैगा सर दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वह की कर रहे हैं सर वो तो बड़े धरने लाते होंगे सके हूँ की हो गया उन्होंने प्रधानमंत्री साहब के घर के बाहर जाने तो डरते पे है नहीं इस तरह की कोई गल नहीं हैगी असी कोई भी पैरल एक्टिविटी इदा की नहीं करनी चाहते जिहड़ी इस तरह लगे कि असी किसानों के धरने तो फोकस चक के साडे किसी धरने वाल जां साडी किसी एक्टिविटी वाल ज्यादा ध्यान होवे अंदोलन के हित च ही आ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਦਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਮਜਾਰੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈਵਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਹਲਕਾ ਬਿਆਨ ਹੈ मैं तो यह कहूंगा कि पहले दिन तो ही जी बीजेपी आ इन्हों का रवैया अंदोलन प्रति यही रहा है सब तो पहला अंदोलन बदनाम करने की कोशिश करते रहे हैं जो आप शुरुआत तो देख लीए पहला कहते थे मुठ्ठी भर लोग आ फिर जिस तरह रठौर साहब ने जो गल्लां कीतियां मैं रिपीट नहीं करनी चाहता ईवन उत्थे धरने से सिंघू बॉर्डर से भी टिकरी बॉर्डर से भी हमले भी किए गए पिंड वासियों के नाते वो लोग पहचाने गए थे कि बीजेपी के गुंडे थे अपनी लियाकत चीजा वाक किया मौका नहीं दिता दोष लगा हमेशा ही ठीक है खत्म करना चाहते संगड़ा साहब तुहानूं इह लगता है कि यूपी के मुख्यमंत्री ते हरियाणा के मुख्यमंत्री या हरियाणा की सरकार ते यूपी की सरकार किसान अंदोलन खत्म करने च लगी हुई है तुहानूं इह लगता है देखो हरियाणा गवर्नमेंट तो श्रेया मियां गाजीपुर की गल है जिहदे तो खट्टर साहब नूं गुस्सा आया भारतीय जनता पार्टी इस मामले तो मैं समझदा भी एक जुट ने अंदोलन कुचलना चाहते कर नहीं पा रहे वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड अंदोलन बदनाम भी नहीं कर सके अदरवाइज इन्हों का बस चले तो रातों रात अंदोलन खत्म कर देन बदनाम भी कर देन मैं एक उदाहरण देनी चाहना केपी सिंह जी एक मिनट च बोलो बोलो एक अपना ब्लैक लाइफ मैटर दुनिया पद्धर का अंदोलन चलिया भी अमेरिका के अमेरिका के बहुत साड़ फूक हुई अंदोलन करते गए मैं इदा का कभी देखा ही नहीं अमेरिका साड़ फूक पर किसी भी सियासतदान ने किसी भी अधिकारी ने उस अंदोलनकारियों से दोष नहीं लाया कुछ मौके से फड़ लिया कोई मुकदमा दर्ज कर लिया करते रहे सारा कुछ अंदोलनकारियों से इल्जाम नहीं सी लगाया जबकि किसान अंदोलन दुनिया भर में जाने जाता है डिसिप्लिन लई ते जाबते लई इतना कंट्रोल मैं किसी अंदोलन च देखा ही नहीं है इस अंदोलन नूं तरलो मची हो रहा है ठीक है संगड़ा साहब ठीक है राजीव गुदारा साहब दिल्ली की सरकार एक पासे केंद्र सरकार एक पासे हरियाणा सरकार यूपी सरकार मेरा सवाल यह है सर कि
जिहड़े लोग है ये सियासतदान है वो सर किसान संघर्ष के नाल आपका मोर्चा शुरू करने तो घबराते पे है कहिंदे किसानां ते फोकस हट ना जाए शिफ्ट ना हो जाए गुरदारा साहब ये थोड़ा क्लीयर कर दो सर ये नहीं क्लीयर हो पा रहा। एक गल तो ठीक है कि किसानी अंदोलन का जिहड़ा फोकस है किसानी अंदोलन रहना चाहिए पर इहदे कई तरीके ने। एक तरीका जिहदे वास्ते किसान एक लंबी पुरानी गल मैं दस रहा दिल्ली दे विच वोट पार्लीमेंट स्ट्रीट ते एक प्रोग्राम सीगा उत्थे सारे किसान नेतावां ने पार्टियां दे नेतावां ने आके राहुल गांधी तो लैके अरविंद केजरीवाल तक उच्चे करके समर्थन दिता सी। उस तो बाद चोण आ गई सी चोण दे विच इन्हां ने वो मुद्दा नहीं बनाया सी जिहदे गल करके आए सी ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੀਏ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਈਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਜਿੱਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵਲੀ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਆਪਦੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀਆਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਾਈਜੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਜੈਕ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇ। ਗੁਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਗੁਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈਏ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਗੁਦਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਾਂ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨੇਤਰਤਵ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਪਰੰਤੂ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਲਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਬਾਅ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਕਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਲੜ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਥੱਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਪਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚ ਸਮੂਹ ਹੈਗਾ ਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਆਣ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਠੀਕ 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 ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਨੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੇਗਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤਾਂ ਜੇ ਕੁਛ ਖਾਵਾਂਗੇ ਘਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਘਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਠੀਕ ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋ ਪੈਨਲਿਸਟ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਣਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ
ਇਹ ਡਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪੌਂਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਪੌਂਸਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿ ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਪੌਂਸਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਗੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਈਗੇ ਤਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਸੰਸਦ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖੋ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹੂਗਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਹੈ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਤੌਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉਹ ਚੋਣ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮਗਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਬੀਜੇਪੀ APMC ਖਤਮ ਕਰ ਦੂਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਕ ਚ ਖੜਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਾਤਾ ਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਉੱਧਰ ਇਹ ਨਾ ਉੱਧਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਰਦਾ ਸਮਝ ਗਏ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕੁਲਦੀਪ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀਏ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੁਕੋ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਡਿਬੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸੰਘੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖੀਏ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ KP ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਕਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਨਾ ਜਾਓ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਆ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਆ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ ਸੰਘੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ
कुलदीप धालीवाल लोकतांत्रिक कहने इस अंदोलन तुसी बहुत कुछ इल्जाम लाए अंदोलन से सारिया गल्लां तुहाडियां मान लईआं सर उस दे बावजूद किसान उत्थे डटे हुए है कुलदीप धालीवाल सवाल यह है कि सरकार गलबात क्यों नहीं करती भी 22 जनवरी तो बाद चुप के बैठे हो जे तुसी डेमोक्रेसी की परवाह करते हो फिर गल करो ना किसानां नाल क्यों नहीं करते कुलदीप धालीवाल देखो मैं पहला गल जो शुरू की उदो ही गल रखती थी कि हर गल हर नाले साबित हो जाती है बाद च किसान तक लैके जाती है विरोधी धिर भी ये किसानों कहता हाय हाय जी किसानों कहता हर गल जदों भी कोई गल होंदी है उत्थे जो कोई घटना होंदी उहदे बावजूद असीं माड़ी जी भी उंगल रखते हैं तो कहने जी बदनाम और जिहड़ी घटना हो रही है अंदोलनकारियों भी बदनाम कर रही है कोटकपुरे सर उ कोई यह घटना नहीं हो रही देखो किसी थां ते घटना का होना ना होना एक वखरा विषय है अंदोलन च जाके इदां दीआं घटनावां होणीआं बदनामी क्यों चिंता किसान की बदनामी हो रही है ना तो कोई चिंता हो रही है जो तुम चिंता होती गल क्यों नहीं करते गल करते फिर उन्होंने चिंता तो है ही नहीं चार धारक वक्री गल है 26 जनवरी की गल की सिंघड़ा साहब ने जो पहले गल तोरी बस सर आपा इशू तो भटकना सर आपा इदा थोड़ी चलना काम धालीवाल साहब आपा इशू तो भटक जाने सर एक मिनट च गल से 7-26 लंघ गया सर 26 जनवरी तक खड़े हुए हैं मैं थोड़ा ब्रेक ले रहा ब्रेक तो वापस आवेंगे देखो ब्रेक तो वापस आऊंगा माफ करना दर्शकों कई बार इदा दी जिहड़ी डिबेट हो जाती है जिंदे विच तुहानू कुछ समझ नहीं आता पर तुहानूं मैनूं लगता कि इस डिबेट विच्चों इस बहस विच्चों ही बहुत कुछ समझ आ रहा कि असल विच आ लोकतांत्रिक प्रणाली का इस्तेमाल कौन कर रहा है किसान कर रहे हैं जां इस सियासतदान कर रहे वापस आ रहा तो सवाल ये पूछ रहे अंदोलन कर रहे किसानां ते केंद्र सरकार विचाले रेड़का किवें मुकेगा कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन ते स्वराज इंडिया के स्पोक्सपर्सन मैं दोनों तो माफ़ी चाहना तुहानूं मैं उन्ना वक्त नहीं दे सकिया गा कुमरत सिंह राठौर लास्ट कमेंट तुहाडा चाहिए मैं जिस तरीके बहस हो रही है इदा लगता है कि गलबात नहीं होगी कुमरत सिंह राठौर मैनू यह लगता पे तुहानूं की लगता देखो एपी जी ये गल तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिहड़ी बीजेपी है भारतीय जनता पार्टी किसानां दी गल सुनन दे लई तैयार नहीं है ये आपां मेरे ख्याल सैकड़ा डिबेटा कर चुके हैं जदों दा अंदोलन शुरू होया मैनू नहीं लगता कि जिहड़ी ये किसान जिहड़ी सरकार है ये लोगों के मुद्दों के उत्ते किसानों के मुद्दों के उत्ते मजदूरों के मुद्दों के उत्ते गौर करना तुसीं देखो कि किसान 7 महीने इस खबर संतोख की गल करते हैं और इन्हां दे लीडर डेली आके अजिहे बयान देंदे आ जिहड़े भड़काऊ बयान हुंदे ने रोज आके उन्हां नूं ओ उही बयानबाजी द्वारा चालू कर देंदे आ जिथों खत्म करदे ने
लेकिन जेड़ी गल तुसी कही है कि गलबात की राह या गलबात का न्योता जरा जो गलबात का इनविटेशन अज तक इन्होंने 22 तारीख तो बाद नहीं दिता और दोबारा जी गल की है तोमर साहब ने इको बार उन्होंने कहा कि तुम आओ लेकिन कानून हाथ नहीं होने होर कोई फॉर्मेट लेके आओ मैं यह दसो एक पटाच की है जी खाली करने तैयार है कहते सब कुछ बदल देवे बिल्कुल तुम सारा कुछ ना ले आओ लेकिन कानून रद्द नहीं करांगे तो मैं समझदा कि यह की है अड़ी सरकार की है या किसान की है सबर संतोख किसान का या सरकार का अज 7 महीने हो गए किन्ने के इंसीडेंट है धारीवाल साहब संबंधों दस दो घटनावां दी गल करदे एक घटना के बारे सारी दुनिया को पता लग गया और फिर जब असं आगे बैठ के कहने असं किसान के पुत है मैं धारीवाल तो थानू पूछना चाहना हो सकता है बीजेपी के लीडर तो धरने च ना जाते हो लेकिन जेडे बीजेपी के कारकुन है उसे जाके देखो जेडे किसान है बीजेपी के जेडे वर्कर ने वो भी धरने उत्ते बैठे वो भी मानते ने तुहाडे लीडर टीवी पर स्विच होण हुंदे ही कैमरा हटते ही कहने हैं असं कर नहीं सकते साडी मजबूरी है और उही मजबूरी मैं लगता थोड़ी है तुसीं अपना पार्टी का बचाव बिल्कुल सामने आके कर रहे हो लेकिन तुहाडे दिल नूं पता है कि तुसीं चाहुंदे की हो तुसीं क्या कानूनां दे हक च है गाजीपुर बॉर्डर जो कुछ होया इल्जाम ला रहे हो कि बीजेपी आर एस एस के बंदे उनके पिछे सीगे जे इत्थे बयानबाजियां हो रही इत्थे तुसी कह रहे हो कि अंदोलन नूं खत्म करने की साजिश है अरजीत गुदारा साहब गल मुक्कू ही कितने सर उधरों भी सर टकराव वाले बयान है इधरों भी टकराव वाले बयान है सर कोई तो हल होना चाहिए ना कितने मंथन कर रहे हो तुम अरजीत गुदारा साहब केपी जी एक तो लोकतांत्रिक ढांचे के विच जिथे लोकतंत्र की गल होंदी है देश एड्डा वड्डा लोकतंत्र है उधर सरकार नूं किसानां दी या किसी भी आंदोलनकारियों की गल सुननी चाहिए है तुम वेखो जनवरी 22 तो बाद सरकार ने जित फड़ी है कि गल भी नहीं करेगी आंदोलनकारियों नाल देश दे विच अलोकतांत्रिक होने का या लोकतंत्र से खतरा इस तो बड़ा कोई हो नहीं सकता कि एडे वे अंदोलन गल भी करने तो सरकार मुकर जाए या पासे हो जाए पहली गल दूजा तुम देखो जो हल की क्या हल जो धालीवाल जी ने गल की उस गल संकेत ने धालीवाल जी ने यह कहा जो इन्होंने स्पोंसर की गल की ना ही कहा पोलिटिसाइज ना किया जाए मेरा यह समझ है कि यह आंदोलन इस देश के लोकतंत्र बचाने का आंदोलन बन चुका है इस देश के लोकतंत्र बचाने वास्ते जरूरी है किसानी का हर उस तबके का जिन्हों हाशिए धकेला जा रहा है उन्होंने सारे इशू जो किसानी आंदोलन के पोलिटिकल पोलिटिक्स का अहम मुद्दा बने बंगाल पोलिटिक्स का अहम मुद्दा बनया भारतीय जनता पार्टी उन्हें पासे किया सरकार तो आने तो रोकया इसे तरह जदों देश दे विच पोलिटिक्स का सब तो बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन कानून तो कारपोरेट नूं देश सौंपण का जो बीजेपी का सपना है वह जो किसान पोलिटिकल मुद्दा बनेगा उ गल है जिहड़ी बीजेपी ते किसी भी सत्ता नूं इस तरह के कानून बनाने तो रोकेगी इस करके इस पूरे अंदोलन तो राजनीतिक हवा करना राजनीतिक चेतना पैदा करना कि राजनीतिक चेतना पैदा होए ते लोग यह ना होए जिवें धालीवाल जी ने कहा मैं कानून मतलब किसान आंदोलन के नाल हैगा मैं किसान पहला हैगा पर गल मैं सरकार दी करूंगा ये लोग इस तो पासे आ जाण जदों राजनीतिक चेतना का विकास होएगा तो किसान आंदोलन के नाल किसान होने वाले बंदे धालीवाल जी भी जिहड़े बीजेपी की तारीफ दरबदारी करने की बजाय किसान आंदोलन की लोकतंत्र बचाने की गल करते नजर आएंगे तो इलेक्शन के भी होएगा यह जी चोट जी राजनीतिक चोट लोगों ने मारनी है बीजेपी को उही यदा हल होएगा जी बीजेपी पहला नहीं बनी इस करके धालीवाल जी ये पोलिटिसाइज होने तो पोलिटिकल मुद्दा बनने तो घबराते हैं भारतीय जनता पार्टी घबराती है बार बार ऐसे करके गाजीपुर वर्गी घटनावां बार बार इस तरह की घटनावां पैदा कर दी है खट्टर वर्गियां दे इस तरह के बेशर्माना जिहड़े बयान आते हैं कि उसे रेप हो रहे हैं हत्यावां हो रही ने बिना जांच तो पहला कुछ भी जजमेंट दे देना मुख्यमंत्री ये सारी गल्लां उसे दा संकेत है ठीक ठीक इस करके मैं लगता है गुदारा साहब मैं सर तो यह जानना चाहता सीगा गुरनाम चडूनी होरां जिहड़ी सलाह मंगी है अपील की है लोगों नूं सर यह संयुक्त किसान मोर्चे का प्लान है जां चडूनी साहब का पार्लीमेंट प्लान है सर मेरी जानकारी दे विच नहीं कि संयुक्त मोर्चे ने यह फैसला करके तो यह कहा होवे कि असीं लोगों तो राय मंगते हैं क्योंकि मेरी जानकारी चे संयुक्त मोर्चा जो भी कोई फैसले करता है मीटिंग दे विच उस दे विच संयुक्त बयान एक सांझा बयान जारी करके ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी गल कहते हैं यह दिसदा है कि गुरनाम सिंह चडूनी की आपकी राय से उन्होंने आपकी राय रखता है इस करके संयुक्त मोर्चा का बयान के तौर पर मैं कि देखा नहीं कि हो गए ठीक है कुलदीप सिंह धालीवाल जे पार्लीमेंट वाल किसान कूच करते हैं हुण तुसीं किवें रोकोगे उन्होंने
देखो कोई किसी तरह का भी मैं फिर आपकी गल नूं दोहराउणा है, कोई भी जिहड़ा विरोध करना है वो लोकतांत्रिक हक है किसानां दा भी, और अगर शांतिपूर्वक कोई भी भावे वह पार्लीमेंट वाल पूछ कर भावे किसी का घराओ करने उन्हां दा हक है वो कर, कोई नहीं रोकण वाला, पर जिहड़ी गलबात है उहदा एजेंडा पहलां तय हो जाए फिर उस तो बाद जो मर्जी करी जाण। और गलबात का एजेंडा तय होने गल रुकी हुई है, संयुक्त किसान मोर्चे सब तो पहला गलबात के एजेंडे वाल जाना चाहिए ना कि पार्लीमेंट वाल जाना चाहिए। पार्लीमेंट वाल जाना नहीं जाना यह उन्होंने विषय है, उन्होंने लोकतांत्रिक हक है, वह आपका हक जिवें मर्जी लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, पर एजेंडे से जरूर चर्चा कर ले। ठीक है कुलदीप धालीवाल, एजेंडा धालीवाल जी जब चंडीगढ़ के किसान पीसफुली मार्च कर रहे थे उदो परचे दर्ज हो गए, फिर उन्होंने बारे तो घटो घट इन्हें बोल ही देना चाहिए तो गलत हुए ने वीडियो ने 3 बजे भी उथे बैठी सी, इह परचा दर्ज होंदा कि 3 बजे मटोर मटका चौक ते सीगी, हुण इस तरह दे परचे दर्ज होए तुसीं उहदी भी आलोचना करन नूं तैयार नहीं, फिर तुसीं लोकतंत्र दी गल भी करदे हो, प्रशासन ने आपके तरीके जिन्ना चिर आप कोई भी जिहड़ा प्रदर्शन है उगर नहीं हुंदा सवाल हमायत कर दो जो FIR दर्ज की चंडीगढ़ हमायत कर दो। देखो मेरा हमायत करना या ना करना बनता ही नहीं। चलो ठीक ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है धालीवाल साहब, थोड़ा बयान आ गया सर, थोड़ा बयान आ गया सर। संगेड़ा साहब लास्ट कमेंट चाहिए, संगेड़ा साहब एक मिनट, संगेड़ा साहब लास्ट कमेंट चाहिए, संगेड़ा साहब किसान कह रहे हैं एक मिनट, राठौर साहब राठौर साहब डेमोक्रेसी बचानी है सर, किसान का मुद्दा सही है, डेमोक्रेसी खतरे में है सर, किसान अंदोलन आप खतरे च पिया होया, संगेड़ा साहब किसान कह रहे डेमोक्रेसी बचानी है। देखो एक डेमोक्रेसी ते जो किसान अंदोलन है इहदा बहुत गूढ़ा रिश्ता आ, देखो डेमोक्रेसी का भी घाण नाल हो रहा, किसानी का भी नाल घाण हो रहा, कट्ठा ही सारा कुछ हो रहा। KP सिंह जी जदों राज्यसभा चों बिल पास होया आ तां उत्थे उदां ही वॉइस वोट नाल पास करता गया, आम आदमी पार्टी ने सब तो वध विरोध किया, संजय सिंह उन्हां ते माइक तोड़न का दोष लगा के उन्हां नूं 2 दिन लई मुअत्तल भी किया सीगा, इलीगल है, और नाले कानून जिहड़े आ नीति आयोग के एक इकोनोमिस्ट आ रमेश चंद, उन्होंने अजे एक साल पहला कहा सीगा कि खेतीबाड़ी का मॉडल एक्ट बनाता है, राज देखण उन्होंने किदां उन्हां नूं लागू करना किदां नहीं करना, क्योंकि खेतीबाड़ी विशा राज्यां दा आ, और संविधान च भी केंद्र आप कानून बना के लागू करते, ये देखो राज्यां दे अधिकारां ते छापा है शरेआम, बिल्कुल डेमोक्रेसी खतरे च, डिक्टेटरशिप कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मनुखी अधिकारां दी उलंघना कर रही है, किसानां दे अंदोलन नूं कुचलना चाहुंदी है, जिहदे ते सधारण दोष हुंदे आ एजिटेशन दे उहदे ते 307 लगाई जांदी आ, देश विरोधी धरावां लगाईआं जांदीआं, धमकियां दिंदे आ इह लोक, मंत्रियां दे तौर ते नहीं गुंडियां दे तौर ते विच रहे आ, तुसीं आ हरियाणा वाले मुख्यमंत्री साहब दा बयान तां देखो किन किन्ना शर्मनाक बयान दे रहे आ, संगेड़ा साहब बयान आए अजीब द्वारा मेरी गुजारिश है, मेरी गुजारिश है रुक जी, रुक जी, रुक जी, प्लीज प्लीज रुक जी, आप बहस समाप्त नहीं कर पावे, प्लीज प्लीज आप रुक जी, तो मैं लगता है समाप्त इतना ही करनी पड़ेगी, प्लीज प्लीज, चलो बहुत बहुत धन्यवाद, थोड़ा सारे का बहुत धन्यवाद।
ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਸੰਕੇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਗੜਾ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪੀਸੀਆਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਖਤਰਾ, ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ? ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਹੋਲਡ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਅੱਗੇ ਆਵੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ, ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈਗਾ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 2022-2024 ਉਹ ਵੀ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।